तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए अगस्त 2022 की। अगस्त 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं गोचर को कि गोचर में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, और आपको जो यहाँ पर कुंडली दिखाई दे रही है वो गोचरीय परिवर्तनों के हिसाब से ही यहाँ पर दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों को ही देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे सूर्य के गोचर को, सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, इसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध के गोचर को अगर आप देखेंगे तो 1 अगस्त से बुध सिंह में जाएंगे, उसके बाद 21 अगस्त को फिर से चेंज होकर अपनी खुद की राशि कन्या में चले जाएंगे। शुक्र 7 अगस्त से कर्क में जाएंगे, 31 अगस्त को सिंह राशि में वो आ जाएंगे। इसके अलावा मंगल 10 अगस्त से वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो राहु से युति करते हुए हट जाएंगे वहां से, और आपके वो यहाँ पे सिक्स हाउस में आ जाएंगे। इसके अलावा मीन में वक्री रहेंगे गुरु, और मकर में शनि वक्री रहेंगे, चंद्रमा 1 अगस्त को कन्या में रहेंगे, राहु मेष में गोचरकारी रहे और केतु तुला में रहेंगे। तो ये स्थिति रहेगी गोचरीय स्थिति। और अब हम बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के बारे में। तो देखिए कुंडली में सबसे पहले हम गुरु के बारे में ही बात करेंगे, और गुरु की स्थिति मीन राशि में रहेगी, ये वक्री रहेंगे। तो वक्री गुरु आपको क्या कुछ दे सकता है, वक्री का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, ये भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए गुरु वक्री है, और वक्री गुरु होने की वजह से आपके घर के जो कार्य हैं वो कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपके अटके हुए पड़े बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, जैसे कि आपने अपना घर नहीं बनाया हो, घर का सुख आपको नहीं मिला हो। इसके अलावा माता जी की सेहत को लेके कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं वक्री गुरु में, बाकी का आपको कुछ खास यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी। वक्री गुरु में थोड़ा बहुत हेल्थ का इश्यू भी आप लोगों को खुद को आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ खराब ही हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा जो चांसेस है वो ऐसा बनेगा कि आपकी जो लाइफ स्टाइल थोड़ी स्लो हो जाएगी। इसी प्रकार से गुरु का वक्री होना आपके लिए अष्टम भाव के लाभों को भी स्लो कर देगा। अष्टम भाव से जो कुछ भी आपको प्राप्त होना है, इन लॉज के साथ आपके संबंध है, पैतृक संपत्ति का कोई मैटर है, तो वहां से भी जो लाभ आपको मिलने हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से जो लोग अष्टम भाव से संबंधित कोई जॉब करते हैं, कोई अकल से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। गुरु यहाँ से देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, 10th हाउस को देखने की वजह से गुरु जैसे ही यहाँ पर मार्गी होने लगेंगे आपको जॉब मिलने की संभावना बनेगी, और कार्य क्षेत्र के लिए तो गुरु का गोचर काफी अच्छा है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही गुरु यहाँ से आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो 12वें घर को देखने की वजह से आपको जो भी पीड़ा 12वें घर की वजह से हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह, या कोई और आपको जो दिक्कत हो रही है, या फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, या फॉरेन ट्रेवल नहीं हो पा रहा, तो इन सब में गुरु आपको हेल्प करेंगे, बट आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है जब तक गुरु यहाँ पर वक्री स्थिति में है। अब आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि का गोचर देखिए मकर में हो रहा है, और ये वक्री स्थिति में आए हैं, फिर से आए हैं मकर में, तो आपको धन देने वाले हैं, आपके धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, फैमिली से संबंधित कुछ ऐसे पेंडिंग काम जो रह गए थे अभी तक पूरे नहीं हुए थे, तो उनको ये पूरा करने वाले। इसी प्रकार से शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 4थे घर पे, तो 4थे घर से संबंधित आपके कंस्ट्रक्शन, घर परिवार से जुड़े हुए कार्यों को ये पूरा करवाने वाले। यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव से जो भी आपको गेन अभी तक नहीं हुआ है पहले जब शनि ने ट्रांजिट किया था, तो वो आपको सारे गेन होने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो विवाद दूर हो जाएगा। इसी के साथ शनि देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को, लाभ स्थान में केतु का भी गोचर है, तो ऐसे में आपको अचानक धन की प्राप्ति, अपने मित्रों से लाभ होना, अपने बड़े भाई से लाभ होना, या फिर जो लोग मार्केटिंग वगैरह का कोई काम कर रहे हैं, या कोई ग्रुप्स के साथ कहीं काम कर रहे हैं, ऐसा टीम वर्क कर रहे हैं, तो उनको काफी फायदा होगा शनि के इस गोचर में। लेकिन शनि का ये जो वक्री गोचर है आपके धन को बढ़ाने वाला होगा, धन की वृद्धि आपको देने वाला होगा, तो शनि किसी भी मामले में आपके लिए खराब नहीं होगा। और तीसरे घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से अपनी फैमिली के लिए, अपने धन के लिए थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। इसी के साथ तीसरे घर से संबंधित भी आपके कार्य प्रभावित होंगे, तो 3rd हाउस से संबंधित आप मान लीजिए कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, तो वो भी आपका प्रभावित हो सकता है।
इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल का गोचर अगर आप देखेंगे 10 अगस्त से मंगल यहाँ से चेंज होके वो जा रहे हैं आपके छठे घर में और पांचवें घर से वो हट चुके हैं। तो अब एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, संतान से जुड़े हुए कोई आपके काम है, उनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं एजुकेशनल मामलों में। हालांकि आपको राहु बहुत कुछ नया सीखने के लिए भी प्रेरित करेंगे, कुछ क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन मंगल की स्थिति जब तक आपके सिक्स हाउस में रहेगी, आपको थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ सकता है पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों में। इसी प्रकार से मंगल यहाँ पर 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर आपका 12वें घर से संबंधित कोई भी काम है, उसके लिए लोन वगैरह लेना, कुछ खर्चे करना, इसी प्रकार से मंगल का गोचर छठे भाव में वैसे काफी अच्छा माना जाएगा आप लोगों को। लेकिन आपकी कुंडली के जो इनके पास जो स्वामित्व है जिन भावों के, उन भावों से संबंधित कुछ कार्यों में दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला है पंचम और 12वां भाव। अब मंगल यहाँ पर है, मंगल गोचर करेंगे छठे घर में, तो आपको शत्रुओं की जो समस्या है उसको ये दूर करेंगे। इसके अलावा आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, वहां पर किसी के साथ विवाद ना हो, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करो और तेजी से काम करो, मेहनत करो तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में अगर आप बात करेंगे तो शुक्र का गोचर कर्क राशि में रहने वाला है, 7 अगस्त से वो आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देखिए शुक्र छठे घर के स्वामी हैं और वो लाभ स्थान के स्वामी, तो आपको लाभ जरूर देंगे अष्टम भाव के कार्यों से। इसके अलावा अकल्ट से बहुत ज्यादा लाभ देंगे, ज्योतिष वगैरह है, पामिस्ट्री है, या फिर और भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, रिकी हीलिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको काफी फायदा होगा। इसी के साथ ये शुक्र आपके ससुराल पक्ष में गया है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि उन लोगों के घर में कुछ बड़ा पैसा आ सकता है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम हो सकता है, लग्जरी से संबंधित कोई काम हो सकता है, घर बनाना या घर को डेकोरेट करना, ऐसा कोई काम हो सकता है, तो मोस्टली लग्जरी से संबंधित होगा और इसी का फायदा भी आपको मिलेगा। तो हो सकता है आपको भी बहुत बड़ी कोई धन की प्राप्ति हो, क्योंकि आपका जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड वक्री होके संबंध बना रहा है शुक्र से, तो ये आपके धन के लिए अच्छा है, अचानक धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम भी कर रहे हो तो भी आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आपका जो लाभ स्थान का स्वामी है वो है शुक्र, और इस वजह से आपको धन की प्राप्ति जरूर संभव है जब तक शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब कर्क राशि में ये लगभग पूरे महीने ही रहने वाले हैं, तो पूरा महीना आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, और 31 अगस्त को फिर ये चेंज हो जाएंगे, आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम अगले महीने के वीडियो में करने वाले हैं। तो शुक्र का गोचर अच्छा रहेगा, शुक्र वैसे भी 6th लॉर्ड है आपका, तो यहाँ पे काफी अच्छा आपको गेन देने वाला है। इसी के साथ देखिए मैरिड लाइफ को लेके भी यहाँ पे कुछ ज्यादा दिक्कतें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आएंगी, क्योंकि वैसे शुक्र आपके लिए जो भी पुरुष है उनके लिए स्त्री का, उनकी वाइफ का कारक है, बट शुक्र का यहाँ पर होना आपको उनके परिवार से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। अब वो धन के रूप में भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपनी मित्र राशि में है शुक्र, तो आपको गेन ही देगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बुध के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बुध के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 1 अगस्त से वो सिंह में जा रहे हैं, यानी आपके वो यहाँ पे आपका 9th लॉर्ड के साथ भी युति करेंगे, लेकिन ये युति कुछ दिन के लिए ही होगी। तो यहाँ पे सप्तमेश और 10th लॉर्ड होके 9th हाउस में जाना आपके लिए भाग्य का साथ दिलाएगा आपको। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई जॉब है, जॉब में चेंजेस चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, नया जॉब चाहते हो, तो आपको भाग्य साथ देगा। इसके साथ ही यहाँ पर बुध का जो गोचर है, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ कोई दूर की यात्रा या कोई आध्यात्मिक टूर, कोई धार्मिक यात्रा, इसी के साथ आपका 10th लॉर्ड होने की वजह से आपका अपने घर से कहीं दूर का कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा जॉब है, तो उससे रिलेटेड आपका काम बनेगा, और यहाँ पे बुध आपको काफी ज्यादा एक तरह से हेल्प करेगा भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए। और बुध यहाँ से 3रे घर को भी देख रहे हैं, तो उस वजह से आपका 3रे घर से कोई काम है उसमें भी काफी हेल्प करने वाले, तो आपके मोस्टली टूर हो सकते हैं अपने जॉब को लेके, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस को लेके, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ ही सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 9th हाउस में, तो सूर्य का गोचर हो रहा है तो सूर्य और बुध की युति यहाँ पर बहुत ही अच्छी मानी जाएगी आप लोगों के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और 21 अगस्त को फिर कन्या में जा रहे हैं। 21 अगस्त को जब कन्या में बुध चले जाएंगे, उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके जॉब के लिए कुछ नए दरवाजे खुल सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह कहीं दे रहे हैं, जिनका जॉब नहीं लग पा रहा है, उनको जॉब लगने की पूरी पूरी संभावना बनेगी जब बुध जैसे ही आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। और जब तक ये 9th में है, तब तक भी आपके लिए समय काफी अच्छा हम लोग मान सकते हैं। अब चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा का गोचर देखिए, आप चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा, चंद्रमा आपका अष्टमेश है, तो ऐसे में देखिए शुरुआती जो ये महीना रहेगा, आपको जॉब की काफी चिंता रहेगी, अपने करियर की काफी चिंता रहेगी। लेकिन यहाँ पर सामने गुरु का गोचर है, गुरु हालांकि रेट्रो जरूर है, तो यहाँ पर चंद्रमा कुछ आपका बिगाड़ने नहीं वाला है। अचानक आपकी जॉब लग सकती है, अचानक कोई आपका ऐसा न्यूज आ सकता है आपके करियर से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद चंद्रमा लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, लाभ स्थान में इनका प्रवेश आपको धन दिलाने वाला रहेगा। तो ये जो शुरुआती 4-5 दिन है, अगर आप चंद्रमा के हिसाब से देखेंगे, आपके लग्न में चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से, तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाले। तो एक तरह से देखा जाए, इस मंथ में आपको धन के योग काफी सारे बन रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की। सूर्य का गोचर बहुत ही अहम है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य के गोचर के बारे में अगर आप देखेंगे, 17 अगस्त तक वो कर्क में रहने वाले, 17 अगस्त तक की जो स्थिति है उसमें आपको अचानक लाभ देंगे। हालांकि भाग्य उतना साथ देगा या नहीं देगा ये निश्चित नहीं है, भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ आपको सूर्य का गोचर है तो निश्चित रूप से आपको इन लॉज के साथ कुछ कुछ मन मुटाव भी हो सकते हैं, बट आपको धन आना चाहिए, आपको धन की प्राप्ति संभव है। इसके साथ फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर हो सकते हैं और मैरिड लाइफ में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, छोटी मोटी ही रहेंगी लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही सूर्य उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में सूर्य का जैसे ही प्रवेश होगा, तो इनका प्रवेश 17 अगस्त के बाद होगा। 17 अगस्त के बाद यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, अगर उच्च अध्ययन अगर कर रहे हैं, PhD वगैरह कर रहे हैं, तो काफी फायदा होगा। पिता से मदद मिलेगी आपको और अपने गुरुजनों से भी आपको मदद मिलेगी। तो सूर्य बुध यहाँ पर युति करेंगे कुछ समय के लिए, तो ये युति भी आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगी। अब देखिए, हमने लगभग यहाँ पर प्रत्येक ग्रह के बारे में चर्चा की है, तो मोस्टली अगर देखा जाए तो इस मंथ में आपको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ ना कुछ अच्छा होगा फाइनेंशियली, और जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग काफी अच्छा होगा, बिजनेस के रिगार्डिंग भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि काफी अच्छा मंथ आप लोगों का जाने वाला है। इसके साथ ही देखिए, राहु केतु के बारे में हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा अब नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ अच्छे और खराब दिनों की। कौन कौन से अच्छे दिन आपकी लाइफ में रहने वाले हैं इस मंथ में, और कौन से कुछ खराब दिन भी आप लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छे दिनों की। अगर आप अच्छे दिनों को देखोगे तो 8, 9, 14, 15, 26, 27 और 28 धनु लगन वालों के लिए ये दिन अगस्त 2022 में बहुत ही खास रहने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन दिनों का विशेष फायदा आप उठाइए और अपना कोई भी काम है वो इन दिनों में आप पूरा कीजिए। इसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को। अगर आप खराब दिनों को देखोगे तो आपके लिए जब चंद्रमा का गोचर होगा वृषभ में 19 और 20 को, तो ये समय में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आएगी, अपने रूटीन को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने साथ वालों के साथ कोई बहसबाजी हो सकती है। 19 और 20 को कहीं से पैसा उधार बिल्कुल भी ना लें, और अगर पुराना आपका पैसा कहीं से लिया हुआ है, पहले का लोन लिया हुआ है, उसको चुकाने की पूरी पूरी कोशिश करें। 19 और 20 को परेशानी वरना आपको झेलनी पड़ सकती है। 24 और 25 को अचानक धन लाभ होगा, लेकिन मानसिक रूप से स्थिति उतनी दृढ़ नहीं होगी, तो इस वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी आप लोगों को। और 24 और 25 की जो स्थिति है उसमें आपको इन लॉज से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, उनके साथ संबंध काफी अच्छे रह सकते हैं। बट ये दिनों में आपको कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होना, स्वास्थ्य खराब होना, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। जब चंद्रमा 6 और 7 को स्कॉर्पियो में जाएंगे, तो स्कॉर्पियो में जाना आप लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। आप लोगों के लिए अचानक जो आपको गेन होते हैं लाइफ में, अचानक आपको कोई प्रॉपर्टी का फायदा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही आपकी नींद हराम हो जाएगी, यानी नींद से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, और 6 और 7 तारीख का जो दिन है वो डिसीजन लेने के लिए भी सही नहीं रहेगा।
तो ये कुछ 6 दिनों का समय है जिनका आपको ध्यान जरूर रखना है। इन दिनों में आपको प्रयास करना है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ आप मेंटेन करके चले। तो फिलहाल आप देखिए, यहाँ पर हम लोग सभी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।